हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, जरूर बताएंगे आप अपने मुंह से। देखते हैं क्यों, व्हाई ऐसा इंडिया क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे, है ना। देखना चाहिए ना कि इंडिया ऐसा क्या स्पेसिफिक कर रहा है जो हम नहीं कर रहे। और चले देखते हैं, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो जल्दी देख रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ हमें भी सब्सक्राइब कर दो। हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो देखने वाला हूं वो वीडियो है रियलिटी एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट, व्हाई इज इंडिया सो फेमस। तो भाई क्यों इंडिया तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया इतना मशहूर क्यों है। तो भारत के लोगों पर, पाकिस्तान के लोगों की राय भारत के ऊपर। तो चलिए देखते हैं भाई। रिएक्शन पे रिएक्शन। क्या मेरा आज का टॉपिक, बल्कि आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट। मेरे ख्याल से यूथ की वजह से। यूथ क्या मतलब, पाकिस्तान में यूथ नहीं, दूसरी कंट्रीज में यूथ नहीं, लेकिन जिस हिसाब से उनके पास बंच ऑफ यूथ है ना, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ यूथ, उसके बाद आबादी, अगर आप मतलब किसी भी चीज़ में जब तरक्की करता है ना, वो अपने माशरे की वजह से तरक्की करता है, उनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मार्केट है, मतलब आबादी ज्यादा, मतलब पॉपुलेशन इज, आजकल पॉपुलेशन नहीं होती, आजकल पॉपुलेशन को एज एन मार्केट के हिसाब से ना लिया जाता है, ठीक है। अब एज ए इन्वेस्टर अगर मैं जाऊंगा तो मैं 10 बंदों के पास जाकर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं 20 बंदों के पास जाकर इन्वेस्ट करूंगा। ये बार बार जो पॉपुलेशन की आप लोग बात कहते हो, अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ यार कम है यार, आपसे 10 करोड़ ज्यादा होगी। जापान की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत है। कोरिया की पॉपुलेशन कितनी है? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत कम है। आप बताइए, अगर पॉपुलेशन और मार्केट इतना होता किसी के डेवलप होने में, तो भाई ये सारे देश डेवलप कैसे कर गए? तो ये लॉजिक देना बंद कर दीजिए कि पॉपुलेशन है, मार्केट है, और ये है और वो है, कैसे भाई? तो जापान को होना ही नहीं चाहिए था, कोरिया को होना ही नहीं चाहिए था डेवलप। जापान क्यों हुआ फिर? फिर तो ताइवान को भी नहीं होना चाहिए था डेवलप, आप समझ रहे हैं, ताइवान से भी गए गुजरे हो आप। इसलिए कहता हूँ भाइयों, थोड़ा दिमाग खोलो। पॉपुलेशन इस हवाले से आप कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन अगर ज्यादा तो मार्केट भी ज्यादा बढ़ी होगी, मार्केट भी ज्यादा बढ़ी होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगी और तरक्की भी ज्यादा होगी। तरक्की भी ज्यादा होगी। आपका नाम? फिजा अकबर। फिजा अकबर, क्या करती हैं आप? मैं इस डिपार्टमेंट में पढ़ने आती हूँ। पढ़ने आती हूँ लेकिन पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा ही है। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक और आज का क्वेश्चन ये है, व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट? क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बहुत प्यारी हैं। अच्छा, वैसे आपको लड़कों के बारे में कहना चाहिए था, आपने लड़कियों का कह दिया। क्योंकि लड़के प्यारे नहीं होते इंडिया के, ना पाकिस्तान के। जी बिल्कुल, इधर देखें तो सही आप जरा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह झूठा बुलवाए। अच्छा नहीं, अगर सीरियस आपसे पूछा जाए व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट अच्छा करते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी मतलब आगे जा रहा हो तो उसको ना लेग पुलिंग की जाती है, ऐसे ही है। ठीक है, आपका नाम? अमीर अब्दुल्ला। अमीर अब्दुल्ला, क्या करते हैं? मैं एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी कर रहे हैं, जबरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट? बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकली अगर लिहाज से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप एक एग्जांपल ये देख लें, अगर बांग्लादेश को देख लें तालीमी तनासिब के लिहाज से, तो बांग्लादेश तालीमी तनासिब के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश एक छोटा सा, मतलब कि आप कह लें कि कंट्री है, छोटा सा कंट्री इन सेंस ऑफ पॉपुलेशन, इन सेंस ऑफ एक पार्ट है, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक पार्ट है, लेकिन उसको अभी आप तालीमी तनासिब के लिहाज से देखें तो वो हमसे बहुत आगे है। तो रीज़न यही है, पाकिस्तान का पार्ट तो बांग्लादेश नहीं है। सुन लो भाई, बांग्लादेश के लोगों, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश अभी भी पाकिस्तान का पार्ट है। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। 50 साल हो गए हैं, आप उस बात से बाहर निकल आइए, पार्ट नहीं है। और दूसरा कि बांग्लादेश के लोगों ने जिस तरह काम किया है ना, खैर आपको तो शर्म आएगी नहीं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपसे अलग होकर, आपसे कम टाइम में, आपको 75 साल हो गए अलग हुए हमसे, आपसे अलग हुए उसको 50 साल हुए, और 50 साल में वो आपसे बेहतर मुल्क बन गया। Yes, right. एजुकेशन के लिहाज से, काम के लिहाज से, इंडस्ट्रीज के लिहाज से, बाकी आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो ये आपकी गलती है बॉस। उनका जो पॉलिटिकल ही है, लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन इन स्ट्रक्चर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आप तरक्की नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टीज़ हैं।
पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी पार्टी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपना टाइम फिर भी पूरा नहीं करता। मसला यही है कि टाइम भी पीरियड पूरा नहीं करता। सब मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर मैं पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता, क्योंकि रीज़न यही है कि हर कोई जो भी आता है वो अपने मफादात के लिए ही आता है पाकिस्तान। हाँ जी पाकिस्तान। एक लाइन सिर्फ इंडियंस के लिए कि व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट, आंसर करना एक लाइन में। बिकॉज दे आर वेरी सिंसियर विद देयर कंट्री। ओके थैंक यू, वेलकम। आपका नाम? उमर खिताब। उमर खिताब कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं केपीके से। केपीके से। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक और आज का क्वेश्चन ये है, एक लाइन में मैं क्वेश्चन करूँगा, एक ही लाइन में आपने आंसर करना है, व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट। एक ही लाइन में आंसर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया जो है ना हमारे से आईटी सेक्टर जो है ना उसका बहुत अच्छा है हमसे, और दूसरा एजुकेशन के लिहाज से भी देख तो पॉलिटिशन के लिहाज से भी देख लो, इन तीन चीज़ों में हमसे बेहतर है, आपसे हमारे से बेहतर है, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। हाँ। आपका नाम? आयशा। आयशा, आयशा कोरोना जा चुका है? हाँ जी। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक और आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया इज़ ग्रोइंग टू फास्ट, एक लाइन में आपने आंसर करना। इंडिया इसलिए ग्रोइंग फास्ट कर रहा है बिकॉज इंडिया की जो आवाम है ना वो पॉलिटिशियन का उनको सपोर्ट बहुत कर रही है, उनको वर्किंग के हवाले से मैंने उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, जैसे कि पाकिस्तानी आवाम है ये तो सपोर्ट कर रही है पॉलिटिशियन, बट ये वर्किंग के हवाले से नहीं इतना कर रही। जैसे आईटी सेक्टर है वहाँ पर भी इंडिया जो बहुत ज़्यादा आवाम जो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस वजह से। क्या नाम है आपका? अली रजा। मेरा अली रजा। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ इधर उबर वगैरह का। उबर वगैरह, आप उबर राइड करते हैं। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है और क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया इज़ ग्रोइंग टू फास्ट, इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की क्यों कर रहा है? इंडिया तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वो लोग बहुत जल्दी से तरक्की करते हैं और आपस में उनका बहुत कॉम्प्लिकेट वो काम करते हैं एक दूसरे से इकट्ठे होकर, इस वजह से वो ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, और हमारे पाकिस्तान में एक दूसरे को समझ ले के काट लेते हैं पहले एक दूसरे को, इस वजह से वो तरक्की नहीं कर पाते। यानी इंडियंस एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, जबकि पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है। क्या नाम है आपका? रुमान राणा। रुमान राणा क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, मुझे लगा शायद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ जी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। ज़बरदस्त, पढ़ना भी चाहिए, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि हमें पता चले दुनिया में हो क्या रहा है। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया इज़ ग्रोइंग टू फास्ट, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी हैं। बंदे की उम्र कम है लेकिन इसने पहला जवाब बहुत अच्छा दिया है कि डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पार्टियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं होते या पार्टियां एक दूसरे की टांग नहीं खींचती या लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, यहाँ भी खींचते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है ना सब एक हो जाते हैं, तब मैक्सिमम लोग एक हो जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किस कहीं के भी रहने वाले हो, इस पूरे देश में कहीं के भी रहने वाले हो, जहां देश की बात आती है वहां पे फिर पूरा देश एक है। हाँ, कुछ परसेंट हैं जो उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन खैर नेगलेक्ट करना है उनको, क्योंकि मैक्सिमम जहां पे हैं वही बात मानी जाएगी, वही बात सही जाएगी। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो एकाएक इतनी तेज नहीं हो गई है। इंडिया की ग्रोथ के पीछे हमारे लीडर्स का विजन रहा है जो 1947 से रहा है, जब से हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से, तब से हमारे जो लीडर्स थे और आज के जो लीडर्स हैं जो आज देश को चला रहे हैं, उन सब में एक बात कॉमन थी कि कुछ ना कुछ भारत को आगे बढ़ाने के लिए करना है। अगर उस वक्त आईआईटी की नींव पड़ी, अच्छे केंद्रीय विद्यालयों की नींव पड़ी, नवोदय विद्यालय और ये सारी चीजें एड ऑन होती गई धीरे 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 धीरे, तो गरीबों को पढ़ाने से लेकर अमीरों को पढ़ाने तक के यहाँ पे उपाय किए गए, यहाँ पे चीजें धीरे धीरे धीरे, जहां पे हमें लगा कि यहाँ पे गड़बड़ है वहां पे हमने सुधारा, जो अगला सियासतदान आया, जो अगली सरकार आई, उसने कुछ ना कुछ उसमें किया। एजुकेशन पे हमने हर बार फोकस किया है, सर्वशिक्षा अभियान हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, अब तो स्पोर्ट्स पे काफी फोकस कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अब से हम मेहनत करना शुरू करेंगे तो 20 साल 25 साल 30 साल बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। तो जो चीज आज से 70 साल पहले की गई, आज से 50 साल पहले की गई, आज से 40 साल पहले की गई, कंप्यूटर की बात करूं तो वही 90s का दौर था, उस समय बात की गई 30 साल पहले 35 साल पहले, तो फिर देखिए आज हम कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं। तो वही चीज है, आज की जो सरकार है उसने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए, नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, रिसर्च एंड R&D सेंटर्स खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस को और इम्प्रूव किया जा रहा है, वहां पे सहूलियतों को और बढ़ाया जा रहा है,
अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैं इलाहाबाद गया था, वहाँ पे मोतीलाल नेहरू NIT है, वहाँ पे जाके देखा मैंने, वहाँ पे एक नया नया हॉस्टल बना है और वो हॉस्टल आपको किसी बढ़िया शानदार अपार्टमेंट की तरह लगेगा, शानदार लिफ्ट है, कमरे अच्छे हैं, हवादार है, रोशनी है और बिल्कुल आधुनिक डिजाइन से बना है। आप इस बात को समझिए भाई, हमारा स्टूडेंट जो है वो अच्छी फैसिलिटीज पाएगा तो आगे जाके देश के लिए कुछ नया कर पाएगा और हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज दी जा रही है। हालांकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, अभी भी जो गांवों में सरकारी स्कूल है वहां पे उस लिहाज से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन वहां भी धीरे धीरे चीजें सुधारी जा रही और पढ़ने वाला पढ़ रहा है। गरीब का बच्चा भी IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, गरीब का बच्चा भी स्पोर्ट्स में आ रहा है, खेल रहा है, वो दिख रहा है। अच्छी बात। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ के लीडर्स ना भले आपस में लड़ते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन देश को लेकर विजन बहुत क्लियर है। और बाकी जितने भी इस तरह GDP ग्रोथ कर रही है उनकी, IT में वो बहुत आगे हैं हमसे, इस वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फिजान। फिजान क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मेरा आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक ये है, व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट। इंडिया ने IT में इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ का चपरासी भी आप देखे तो इंग्लिश बोलता है, इस वजह से शायद इंडिया ग्रो कर रहा है। और हम अभी तक उसी सोच में है कि पॉलिटिक्स पार्टी में कौन जीतेगा, गद्दार कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, हमें खुद का नहीं पता, हम खुद गलत राह पे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपने मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की आपने राय जानी कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की क्यों कर रहा है, और मेरी राय भी आपने जानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जाने से पहले मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद बेहतर कंटेंट, मज़ीद बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो दोस्तों जो है वो समाप्त हो गया है और आपने देखा लोगों की राय। मेरी नज़र में अगर ये सवाल अगर मुझसे पूछा जाता कि भाई आपको क्या लगता है कि भारत क्यों इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, तो उसके पीछे एक आध नहीं कई हजार कारण हैं। पहली चीज हमारी लीडरशिप, दूसरी चीज हमारी एजुकेशन, तीसरी चीज हमारे यहाँ पेरेंट्स का बिहेवियर अपने बच्चों को लेके कि पढ़ाना है, लिखाना है, स्पोर्ट्स में भेजना है, जो भी है, और चौथी चीज कि सरकार और आम लोगों के बीच मिलकर काम करने की इच्छा और मिलकर काम करने का ये नतीजा है। आप देखिए बेसिकली हमारे यहाँ पढ़ने लिखने के बाद लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नौकरी से ही बन जाना है, एक्सप्लोर करना है। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, मैं ठीक ठाक काम करता हूँ, अच्छी जगह पे काम करता हूँ और ठीक ठाक सैलरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में इच्छा थी कि यार ये YouTube पे एक्सप्लोर करूं। तो एक्सप्लोर करने का ये नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूं। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ तब पढ़ाई करता था और आज नहीं करता हूं, आज भी मैं पढ़ता रहता हूं, किताबें हूं, आजकल तो पढ़ाई बहुत ईजी हो गई है, आप राह चलते ट्रेन में बैठे हुए हैं और मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। इस पढ़ने का फायदा ये हुआ है कि मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो गई है, और जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो आपके पास कहने को, बताने को बहुत कुछ होता है। आप फिर दुनिया को अपनी अलग नजर से देखते हो, फिर आपको पता चलता है कि अगर सामने वाला बात कर रहा है आपसे तो वो कहां गलती कर रहा है या किस ट्रैक पे उसको जाना चाहिए। ये सारी चीजें तब होती है जब आप नॉलेज गेन करते हो। आज भी मैं आप लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को, मेरे दर्शकों को पता है मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, जो एंशियंट साइंस है, जो प्राचीन साइंस है, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो इन सारी चीजों को लेके मैं पढ़ता रहता हूँ कि भाई देखिए नॉलेज कभी भी कहीं भी काम आ सकती है। कल को हो सकता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी ने मेरे से स्पेस के बारे में पूछ दिया, तो मैं वहां पर अनजान नहीं हूं, मुझे पता है कि स्पेस में चीजें क्या है या स्पेस में नई टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है, स्पेस में हमने कहां तक एक्सप्लोर किया है, हम क्या कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि नॉलेज गेन करना बहुत जरूरत है। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि मेरा सब्जेक्ट जो है, अगर मैं जर्नलिज्म में हूं तो जर्नलिज्म से रिलेटेड चीजें ही मुझे इंटरेस्ट करती है, मुझे, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं मूवीज देखता हूं, मैं फिल्में देखता हूं, वहां से बहुत सारी चीजें सीखता हूं। मैं माइथोलॉजिकल किताबें भी पढ़ता हूं, मैं ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ता हूं, मैं अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ता हूं, और उन सबसे जो मुझे ग्रहण कर पाता हूं उतना ग्रहण कर लेता हूं, और ये सब कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाता है, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है। ज्ञान अगर होगा आपके पास तभी आप मतलब चीजों को ढंग से समझ भी पाएंगे और अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे, और इसकी कमी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। यस राइट। और भारत के
इतनी तेजी से प्रोग्रेस करने के पीछे यहाँ का वाकई यहाँ का यूथ जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है, नए नए आइडियाज लेकर आता है, नई चीजें लेकर आता है, एक बार फेल होता है दोबारा कोशिश करता है, दोबारा फेल होता है तीसरी बार कोशिश करता है, जब तक कामयाब नहीं हो जाता वो कोशिश करता रहता है, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे स्पेस हो, चाहे किसी चीज में, हर जगह ये युवाओं का बोलबाला है। और क्योंकि युवा जानता है कि मैं करके रहूंगा, अगर मैंने ठान लिया तो मैं करके रहूंगा, मैंने भी ठान लिया कि भाई मुझे यूट्यूब में करना है तो मैं कर किया ना मैंने, तो ये दिखाता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, और इस माइंडसेट की कमी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है कि अपना माइंडसेट बदलेंगे, उस जो रूढ़िवादी कट्टरवादी माइंडसेट है उससे बाहर आएंगे, चीजों को नए तरीके से नए नजरिए से देखेंगे, और तब अपने आप को उस हिसाब से ढालेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आलोक सर ने भी सही चीजें कही बहुत, और वो भी बिल्कुल जो इंटरव्यू जिससे ले रहे थे उन्होंने भी कुछ बातें सही बोली, और कुछ नए मतलब कि वो ज्यादातर ना पाकिस्तान का माइंडसेट बना हुआ है कि इंडिया बहुत बड़ी आबादी है इससे सक्सेस हो रही है, ये बहुत ही बकवास बात है, ऐसी बकवास बात तो है ही नहीं यार। मतलब क्या, ना आपकी पाकिस्तान की आईटी ठीक है, ना एजुकेशन ठीक है, यार हम खुद कहते हैं एजुकेशन बहुत ही बकवास है पाकिस्तान की, और मतलब आईटी में तो कुछ है ही नहीं भाई, अभी पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कि कुछ करो तो स्टार्ट तो करो यार, लेकिन यार पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आईटी को मतलब कि कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करती, आईटी में आईटी डिपार्टमेंट में कुछ होता ही नहीं है, और इससे पीछे पीछे हो ही जा रहे पाकिस्तान, हो ही जा रहा है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो मतलब आम लोगों का भी फॉल्ट है, वो पुश नहीं करती ना, पुश नहीं करती तो इसे मतलब कि उसमें ही रहते हैं, तो ज्यादा अगर पुश किया जाए तो ज्यादा एजुकेशन दिया जाए तो फिर कुछ होगा, और एजुकेशन को ठीक करना सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए अभी पाकिस्तान का, और तब एजुकेशन सही होगी ना सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अवेयरनेस आनी चाहिए सब मतलब पूरे पाकिस्तान में इन चीजों की, के बोलो अपॉर्चुनिटीज बोलो तो मिलती नहीं है। हाँ, तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन, या मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन के लिहाज से बहुत ही बकवास है, और इस वीडियो में आलोक सर ने जो कहा बिल्कुल परफेक्ट कहा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।